Long as I'm
आज हेल्थ इंस्पेक्शन साहब को सीनियर ऑफिसर ये बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के निरीक्षण में असदबाबानगर में कॉर्डन चेक प्रोग्राम हम टेकअप करा. उसमें जो रोडी शूटर्स है जरूरी से उसको बुला के वो लोग क्या कर रहे, कौन सा केस में वो शामिल हुआ, तो केसेस का हालत क्या है, उनका कैसा जी रहे वो लोग, उनका फैमिली का हालत क्या है, पूरा उन लोगों से इंक्वायरी कर आजू बाजू लोगों की इंफॉर्मेशन लिया. और ये गार्डन चर्च में वो इन एंड अराउंड 60 व्हीकल्स टू व्हीलर्स को 60 व्हीलर्स को जो पेपर्स नहीं है जो उसमें चलाना है, एक गाड़ी पे एक टू व्हीलर पे 6000 चलाना है, उस ऐसी व्हीकल्स को हम ये कस्टडी में लिया. ट्रैफिक वाला पुलिस ऑफिसर भी आ रहे, वो इंक्वायरी करके उनको एज पर इस कानून के तरफ से उनको जो फाइन लगा रहे. जो थोड़ी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट करके रिसिप्ट ला रहे, ऐसे ऑनलाइन पेमेंट करके रिसिप्ट लाए तो भी वो लोगों को छोड़ दे रहे. अब बाकी लोगों को ट्रैफिक वाला वो वेरीफाई करके उसको छोड़ देते. ये और क्या बोले तो ये कार्डन चर्च का प्रोग्राम का पर्पस पब्लिक के वो करीब में रहना. पुलिस ये एक बार असदबाबानगर, एक एनएम गोड़ा, एक बार हसन नगर, ऐसी एक एक कॉलोनी में एक तरफ आए तो पब्लिक और पुलिस का रिलेशन मजबूती होता. और वो लोगों का क्या प्रॉब्लम है, वो बेल्ट नीड्स क्या है, उनका वो लोगों का किसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, पुलिस के तरफ से क्या कर सकते, नहीं तो पुलिस किसको बोल सकते, अगर जीएचएमसी को बोलना, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी वालों को बोलना, नहीं तो दूसरा का कोई हमारा तरफ से रिक्वेस्ट गए तो जल्दी होने का वो काम जल्दी होने का चांसेस रहता. इसके लिए पब्लिक के मुलाकात करने के लिए एक अच्छी प्रोग्राम है ये. हम ये प्रोग्राम के वजह से हम हर एक घर घर को पहुंच के वो लोगों का पर्सनल रिलेशंस के लिए पुलिस हमारे घर तक आए, बातचीत होता पब्लिक में. पुलिस बोले तो वो डरने का जरूरत नहीं है, हमारा घर को आके हमारे भाई लोगों के जैसा बात कर रहे, अच्छा तरीका से बात कर रहे. वो लोग भी जरा एक बार दो बार ऐसी आने जाने में वो लोगों को हमारे को बीच में एक अच्छी रिलेशन एक फायदा होता बोल के एक मेन इंटेंशन वही है. ये गाड़ी पकड़ना, उनको फाइन डालना, ये पकड़ना उसका नहीं है. ये कार्डन सर्च का प्रोग्राम मतलब क्या है बोले तो पब्लिक के करीब रहना पुलिस. ये कौन सा यही प्रोग्राम लेके वो लोगों से एक बार दो बार गए तो अच्छा रिलेशन बिल्डअप होता बोल के ये मेन इंटेंशन है. इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते. ये इसके सिलसिले में ये जो गाड़ी है गाड़ी को भी पूरा एक वार्निंग देकर भी छोड़ने का कोशिश करते. भाई द सीनियर ऑफिसर जो 10 साल से 9 साल से 8 साल से कोई केस, एक छोटा केस भी नहीं है. एक ही सिंगल केस में जेल को गए, रेवडी शिफ्ट ओपन करे, वो लोगों के लिए पूरा इंक्वायरी करके जांच करके उसके कैसा जी रहे. अब देख आप लोग देखे उनको ऑटो में कितना कमा रहे, 800 तक कमा रहे, 300 किराए को जा रहे, 500 उनको घर के लिए वो भेज रहे. उसके लिए ऐसी उनका प्रोफेशन क्या, कौन सा प्रोफेशन में जी रहे,
उनका फैमिली बैकग्राउंड देख के फिर ये लपड़ा में आने का चांसेस है तो नहीं वो क्लोज नहीं करते। अगर उनका फैमिली अच्छे तरीके जी रहे, फैमिली रिप्यूटेशन भी अच्छा है, उनका जीवन विधान भी अच्छा है, ऐसी सीटों को क्लोज करने का हम प्रपोजल्स सबमिट कर रहे। और कालापत्थर और खामाटीपुरा मेरा सब डिविजन में थोड़ी लोग आप देखे तो खाली छोटे छोटे चीजों पे रवड़ी शीटर बोले तो ऐसी उतना फाइलमान नहीं है तो दूसरा ऐसी नहीं है तो छोटा छोटा एक 40 किलो भी नहीं रहता उन्हें चाकू लेके मारता। उसका हालत क्या है बोले तो उनके वो दारू पी के नहीं है तो वो ये वाइटनर पी के वो ये पागल का कुत्ते के जैसा वो लोग कर रहे। उसके ऊपर उन्हें रवड़ी शीटर बोलना बोले तो भी हमारे को पहले क्या बोलना उसको एक एक बार दिमाग में समझ में नहीं आ रहा। फिर भी ऐसे लोगों के ऊपर पीडी एक्ट लगा के वो खामाटीपुर में 9 आदमी को, कालापत्थर में 5 आदमी के खिलाफ और पीडी एक्ट प्रपोजल्स भेज दिया। अगर वो लोग प्रपोजल सीपी साहब के ऑफिस तरफ से वेरीफाई करने के बाद पीडी एक्ट डाले तो वो लोग डिटेनिव अंदर करने का हमारे को मौका रहता। जब उनको एक एरिया में अगर ऐसी चीज करे तो हम पीडी एक्ट में जाना पड़ता बोल के एक मैसेज जाता बोल के हम भी कोशिश कर रहे। ऐसे लोगों के ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते। को एक बार दो जॉब मेले करे अब तक, एक ये हुसैन आलम के वो लिमिट्स में पार्टी बड़ा लोगों के एक और ये हुसैन आलम लिमिट्स में एक जॉब कनेक्ट करा, उसमें 582 मेंबर्स को जॉब कितना है वो 18 कंपनीज पार्टिसिपेट हुआ, वो लोगों को भी जॉब मिला और एक जॉब मिला। ये इंशाल्लाह ये गणेश और ये पूरा बंदोबस्त होने के बाद हम प्लानिंग कर रहे वो जल्दी एक दो महीने में और एक जॉब मेला करने का हम प्लान कर रहे हैं।